हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम पी। आज हम डिस्कस करेंगे केसलेट डीआई हमारे एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए। सबसे मेन चीज अगर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास केसलेट डीआई आती है तो सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली रीड करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं उसमें जो डाटा हमें गिवन है वो किसी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, या उसी के बेस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ को रीड करके। वो हमें कैसे जज होगा, सबसे पहले हमें पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसमें जो डाटा रिप्रेजेंट है हमें, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले आज की केसलेट डीआई में हम देखते हैं कि हमें किस टाइप की केसलेट डीआई दी गई है, ठीक है। सबसे फर्स्ट लाइन हमारी है, ए एंड बी स्टार्टेड ए सर्टेन वर्क विच हैज टू कंप्लीट इन 20 डेज, बट बी वर्क ओनली फॉर 11 डेज एंड द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 26 डेज। बी अलॉन्ग विथ सी इज कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो कहीं ना कहीं अब तक जो हमने पैराग्राफ रीड किया है तो उससे हमें यही ऑब्जर्व हो रहा है कि जो हमारा डाटा है वो एक टेबल फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। यानी हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को उसी के बेस पे सॉल्व करना होगा। सेकेंड हमें हिंट क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस टी 5 वर्ड्स गिवन है जो हाईलाइट किए गए हैं, यानी इनकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं फाइंड करनी। तो इससे भी हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि हमारी जो हमें जो केसलेट डीआई दी गई है उसमें डाटा किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यानी पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उन पे बेस्ड डायरेक्ट कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, किसी अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड। फर्स्ट लाइन से हमें पहले ही टॉपिक क्लियर हो रहा है कि अगर हम बात करें तो किस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बेस्ड हमें केसलेट डीआई दी गई है, तो वो टाइम एंड वर्क पे है। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि ए और बी है, ठीक है, वो एक सर्टेन वर्क है, उसे कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ए और बी हैं, ठीक है, वो किसी एक सर्टेन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, बी वर्क ओनली फॉर 11 डेज, पर बी क्या है 20 डेज की बजाय सिर्फ 11 डेज वर्क करता है, तो जो वर्क है ना वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 26 डेज में। तो यहां से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, एक चीज समझना, ए और बी जब दोनों मिलकर कर रहे थे तो कितने टाइम में हो रहा था, 20 डेज में कंप्लीट हो रहा था, जिसमें से बी ने सिर्फ 11 डेज किया है और वर्क जो कंप्लीट हो रहा है वो 26 डेज में हो रहा है। इसका मतलब ए ने कितने टाइम के लिए किया है, 26 डेज के लिए, ठीक है, और बी ने कितने टाइम के लिए किया है, 11 डेज के लिए। अब अगर मैं कहूं कि जो ये पर्टिकुलर वर्क सर्टेन वर्क जो हमें गिवन था वो 20 डेज में करते थे, बी अगर 20 के 20 डेज वर्क करता तो कितने दिन और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता उसे, 11 से 9 डेज। पर अगर वही अगर हम बात करें कि यहां से हमें कंपैरिजन मिलता है कि बी का जो 9 डेज का वर्क है, ठीक है, बी ने 9 डेज पहले वर्क को छोड़ दिया है ना, वही वर्क ए कितने डेज में कर रहा है, तो ए 20 डेज 20 की बजाय 26 डेज में, यानी ए उसी वर्क को 6 डेज एक्स्ट्रा में उसे कंप्लीट कर रहा है, यानी जो वर्क बी 9 डेज में करता है वही वर्क ए कितना डेज में करता है, 6 डेज पे। तो यहां से हमारे पास ए और बी की इफिशियंसी में रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज अगर हम बात करें तो यहां से ए और बी की इफिशियंसी में रेशियो आ जाएगा 3:2, ठीक है। सेकेंड लाइन हमें क्या दी गई है, बी अलॉन्ग विथ सी कैन कंप्लीट ए 20% वर्क इन 5 डेज। बी और सी मिलकर किसी वर्क के इसी वर्क के 20% को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो 5 डेज में। एक चीज समझना, 20% को करते हैं कंप्लीट कितने टाइम में, 5 डेज में, ठीक है। 20% को कितने टाइम में, 5 डेज में। तो 1% की मैं बात करूं तो 5/20, और उसी वर्क का 100% कितने टाइम में, यानी टोटल वर्क कितने टाइम में होगा, तो इनटू में 100, ठीक है, तो कितने डेज में होगा, 25 डेज में। एक तरीके से ऐसे सेकंड अगर हमें ऐसी चीजें एग्जाम में करने की बात होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है आपके पास, 20% इज 1/5, ठीक है, टोटल वर्क है हमारा 5 यूनिट, 5 में से 1 यूनिट करने में वो 5 डेज ले रहा है,
5 में से 1 यूनिट करने में कितना 5 डेज, और 5 के 5 यूनिट टोटल वर्क कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट करने में कितना टाइम लेगा, तो 5 5 25, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 25। तो यहां से हमें नेक्स्ट लाइन क्या मिलती है कि बी और सी उसी वर्क को कितने टाइम में करेंगे, 25 डेज में करेंगे। अब एक चीज देखिए, यहां से हमारे पास पहले भी क्या डाटा था, ए और बी उसी वर्क को कितने टाइम में कर रहे हैं 20 डेज में, एंड बी और सी सेम वर्क को कितने में 25 डेज में। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 यूनिट, 100 यूनिट क्या होगा टोटल वर्क होगा। यहां से हमारे पास बी और सी और ए और बी की टोटल इफिशियंसी आ जाएगी, तो ए और बी की टोटल इफिशियंसी 5 यूनिट, बी एंड सी की टोटल इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 4 यूनिट होगी। ठीक है, ए और बी की टोटल इफिशियंसी कितनी है 5 यूनिट, एंड बी एंड सी की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई हमारे पास 4 यूनिट। अब एक चीज समझिए, ए और बी की हमारे पास इफिशियंसी में रेशियो है वो क्या है 3:2। ए और बी की टोटल इफिशियंसी में कहूं तो कितनी है 5 यूनिट, बी इसमें ए की इफिशियंसी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं 3 यूनिट, सम करते हैं इन दोनों का 3 और 2 का, वो भी 5 इक्वल है बिल्कुल। तो यहां से मैं इजिली कह सकती हूं कि ए की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट, बी की इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट। अब यहां पर बी और सी की इफिशियंसी का टोटल कितना हमें दिया है 4, जिसमें से बी की कितनी है 2 यूनिट, तो अंडरस्टूड है सी की भी कितनी होगी 2 यूनिट, यानी ये दोनों इक्वल इफिशियंसी वाले होंगे। तो यहां से हमारे पास सबकी इफिशियंसी आ गई है। अब फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही गई है, नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे कहा गया है सी टेक P days to complete whole work alone. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P की वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो क्या है, C अकेले इसी काम को कितने टाइम में करता है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 100 यूनिट। C की efficiency की बात करें तो C की efficiency कितनी है 2 यूनिट, तो C वर्क को कितने टाइम में करेगा, ठीक है, तो कितने टाइम में करेगा 50 डेज में करेगा। तो यहां से अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन यानी हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 50 डेज। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई है 50 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, ए बी सी हैव टू कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर एंड रिसीव 4200 टोटल वेजेस। ए बी सी तीनों मिलकर वर्क को करते हैं और उन्हें इस वर्क के लिए टोटल जो वेजेस मिलता है वो कितना है 4200। तीनों मिलकर वर्क को कर रहे हैं तो जो वेजेस मिलता है वो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो उनकी इफिशियंसी यानी उनके वर्क के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम तीनों की इफिशियंसी की बात करें तो ए की इफिशियंसी हमारे पास 3 यूनिट है, बी की इफिशियंसी अगर हम बात करें तो 2 यूनिट है, एंड सी की इफिशियंसी भी हमारे पास 2 यूनिट है। यानी तीनों की अगर मैं पर डे की टोटल इफिशियंसी कहूं, यहां पर हमें डेज डिफाइन नहीं किए गए, दोनों ये कहा गया है कि तीनों मिलकर वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क करेंगे तीनों सेम टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में वर्क करेंगे। सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए जब वर्क कर रहे होते हैं तो जो उनकी इफिशियंसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, वेजेस पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है और वर्क हमारा किस पे डिपेंड करता है, इफिशियंसी इनटू डेज। पर यहां पर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और सेम टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टाइम ड्यूरेशन सेम होती है तो जो वेजेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम बात करें तो इफिशियंसी के। ठीक है, तो इन तीनों की इफिशियंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, टोटल अगर हम करें इनकी तीनों की इफिशियंसी का तो कितना आता है हमारे पास 7 यूनिट, और टोटल वेजेस हमारे को कितना गिवन है, और टोटल वेजेस हमें कितना दिया गया है 4200। 7 यूनिट की वैल्यू है 4200, 1 यूनिट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो यहीं से अगर मैं वेजेस फाइंड करूं, ए का वेजेस कितना होगा 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के अकॉर्डिंग 1800, बी का वेजेस कितना हो जाएगा 1200, एंड सी का वेजेस कितना हो जाएगा 1200। तो यहां से हमारे पास तीनों के वेजेस आ गए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्रॉम दी वेजेस रिसीव्ड बाय सी व्हिच इज रुपीस क्यू, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और क्यू किसका वेजेस है, सी का। सी का वेजेस कितना है 1200, यानी क्यू की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है 1200। ये बात क्लियर है, क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1200। अब यहीं से देखते हैं,
नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही गई है, सी परचेज ए स्पीकर, ही मार्क हिज स्पीकर आर परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 560 रुपीज सच दैट देयर इज प्रॉफिट ऑफ रुपीज नहीं है, इसे कट कर देंगे, प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि सी क्या है, उसी अमाउंट से, उसी वेजेस से क्या है, एक परचेज करता है स्पीकर। ठीक है, उस पर कुछ मार्क प्राइस यानी एमआरपी मेंशन करता है, एमआरपी ऐसी मेंशन करता है वो जिससे वो 20% का प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है और 560 रुपीज का डिस्काउंट भी इंप्लीमेंट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पीकर की कॉस्ट क्या होगी जिससे उसने परचेज किया है, तो सी को जो वेजेस मिला था वो कितना था, 1200 रुपीज। तो स्पीकर की कॉस्ट भी अगर मैं कहूं तो वो 1200 रुपीज ही होगी, उसी वेजेस से उसने क्या किया है, वही स्पीकर परचेज किया। अब उसने क्या किया है, इस पे 20% का प्रॉफिट अर्न करके सेल किया है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% के प्रॉफिट से 10% इज 120, 20% इज 240, यानी 1200 प्लस 240 इज 1440। यानी स्पीकर को परचेज कितने में किया गया था, 1200 में, सेल कितने में किया गया, 1440 में। अब अगर हम बात करते हैं एमआरपी पे कितनी मेंशन की गई होगी, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट इंप्लीमेंट किया जा रहा है 560 रुपीस का। आपके पास जो भी एमआरपी थी उसमें से 560 जब हमने डिडक्ट किया तो क्या अमाउंट आएगा, सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस कितना था, 1440 था। तो क्या ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिसमें से 560 हम डिडक्ट करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस कितना मिल जाए, 1440। तो कितना अमाउंट होगा, 1440 में हम 560 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपीज। यानी उसने, सी ने उस पर स्पीकर पे एमआरपी कितनी मेंशन की थी, 2000 रुपीज एमआरपी मेंशन की थी। ठीक है, जिसपे उसने 560 रुपीज का डिस्काउंट दिया और फिर भी वो कितने में आर्टिकल सेल हुआ, 1440 में, जिससे उसको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट लाइन हमें यहां पर ये बताना था कि उसने एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मेंशन की थी। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 1200, एमआरपी उसने कितनी मेंशन की, 2000, यानी कितना अबव मेंशन किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1200 पे 2000 मेंशन कर रहे हैं तो कितना अबव, 800 रुपीज एक्स्ट्रा उस पे, तो कितने परसेंट कॉस्ट प्राइस से एमआरपी मेंशन की है, तो कितने परसेंट अगर हम बात करें, कितनी अबव, 800 कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200, ठीक है, इनटू में 100, तो कितने परसेंट, 2/3 इज 66, 2/3% अबव मेंशन की है एमआरपी कॉस्ट प्राइस से। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 66, 2/3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही है, द अमाउंट बाय विच द स्पीकर इज मार्क अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें ये बताना है कि स्पीकर पे उसने कितने पर, कितने रुपीज एक्स्ट्रा मेंशन किए गए थे कॉस्ट प्राइस से, तो वो कितने, 800 रुपीज। यानी हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपीज। ये बात क्लियर है, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखिए हमारे पास क्या है, ए एंड बी एंटर इन ए पार्टनरशिप विद द वेजेस रिसीव्ड बाय देम। ए और बी क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप के साथ, जिसमें वो अपने जो वेजेस उनको मिला है उसी से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए को कितना वेजेस मिला था, अगर मैं बात करूं तो वो कितना मिला था, 1800 रुपीज। ठीक है, ए को वेजेस कितना मिला था, 1800, एंड सेम बी की बात करूं तो बी को जो वेजेस मिला था कितना था, 1200। इससे उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया After 4 months, यानी 4 months तक तो A ने कितना invest किया, 1800 invest किया। After 4 months, A increase his investment, यहां से मैं clean कर देती हूं ताकि आपको clear visible हो। देखिए, A increase his investment 16, 2/3%। A ने आफ्टर 4 मंथ्स के बाद क्या है,
ए ने अपने इन्वेस्टमेंट में 16.2/3% का इंक्रीमेंट किया, यानी पहले ए का इन्वेस्टमेंट कितना था 1800, 16.2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है, 1800 का 1/6 कितना होगा 300 रुपीज, यानी अब उसने 300 रुपीज और इन्वेस्ट किए, तो अब इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 मंथ्स उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 1800 रुपीज, 600 ऐड हो गया है, और कितने मंथ्स के लिए, रिमेनिंग टाइम 6 मंथ के लिए। तो यहां से हम इनके इन्वेस्टमेंट एंड जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, प्रॉफिट में हमें जो रेशियो फाइंड करना होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इनटू टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यही हम इसे रेशियो में सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18 के 4 से मल्टीप्लाई 7200 प्लस में 21 के, तो 168, 16,800, ये वैल्यू आ जाएगी 7200, ठीक है, प्लस में 108, 10,800, सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18,000, सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24,000, ठीक है, रेशियो में इसे डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट को, तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 4:3, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट मिला होगा उसका रेशियो क्या होगा ए और बी के बीच में 4:3, टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 5600 का, ठीक है, टोटल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं इन दोनों के तो 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट किसके इक्वल है, तो 7 यूनिट 5600 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800 होगी। हमें किसका प्रॉफिट बताना है, बी रिसीव्ड बाय प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट बताना है, तो बी का प्रॉफिट कितना था 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, यानी हमारी टी की वैल्यू कितनी आ गई है 2400, ये बात क्लियर है, टी की वैल्यू कितनी आ गई है 2400। तो हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस टी सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया, इसी के रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के, हमें क्या वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए यहां पर मैं लिख देती हूं, पी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी 50 डेज, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, तो क्यू की वैल्यू हमने 1200, आर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 66.2/3%, एस की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, तो एस की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 800, टी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, तो वो 2400, मैंने 4 की 5 वैल्यूज लिख दी है जो हमने फाइंड की है, ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एस इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन क्यू, हमसे पूछा गया है एस जो है, ठीक है, सबसे पहले एस और क्यू की वैल्यू मैं यहां से नोट कर लेती हूँ, क्यू की वैल्यू 1200, एस की वैल्यू 800, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 800 एंड Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1200। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें क्या कहा गया है, S is how much percent more या less than the Q, S की जो वैल्यू है वो Q से कितने परसेंट मोर है या लेस है, तो सबसे पहले S की वैल्यू में Q से देखूं तो मोर है या लेस है, तो पहले तो हम कंपैरिजन करके बताएं तो लेस है, अब कितने परसेंट लेस है, तो पहले हम ये देखें कि कितनी लेस है इससे 1200 से 800, तो कितना लेस है 400, ठीक है, किससे पूछा गया है Q से, तो Q की वैल्यू कितनी है 1200 इनटू में 100, ठीक है, तो हमारे पास कितने परसेंट लेस है ये वैल्यू आ गई, ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/3, यानी 33.1/3%, कितने परसेंट लेस है 1/33, 1/3% लेस है। नेक्स्ट हमें Q और S में रेशियो बताना था, Q की वैल्यू हमने अभी लिखी थी कितनी 1200, ठीक है, एस की वैल्यू अभी हमने लिखी थी कितनी 800, ठीक है, इसमें रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2,
QNS में रेशो कितना आ जाएगा, 3:2, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है R माइनस पी। ठीक है, सबसे पहले हम R और P की वैल्यू देख लेते हैं। तो R माइनस पी बताना है, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 66, 2/3, एंड P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। हमें R माइनस पी की वैल्यू बतानी थी, तो R की वैल्यू थी हमारे पास 66, 2/3, P की वैल्यू हमारे पास है 50। दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना है 16, 2/3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना डिफरेंस है R माइनस पी की वैल्यू 16, 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम वैल्यू नोट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू हमने देखी थी 1200, एस की वैल्यू हमारे पास थी 800, एंड टी की वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड की थी 2400। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस का जो डिफरेंस है, तो 1200 और 800 डिफरेंस कितना है 400। इज व्हाट परसेंट ऑफ टी, टी का कितने परसेंट है, तो टी की वैल्यू कितनी है 2400। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/6। 1/6 किसके फ्रैक्शन होती है 16, 2/3% की। तो कितने परसेंट इनका डिफरेंस t के रेस्पेक्ट में 16, 2/3%। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास सेम, सबसे पहले हम वही वैल्यू लिख लेते हैं। q की वैल्यू 1200, s की वैल्यू हमारे पास 800, एंड t की वैल्यू हमारे पास 2400। अब हमें क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन s एंड t, s एंड t का अगर हम डिफरेंस कहें तो कितना है हमारे पास 1600। इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्यू, क्यू का कितने परसेंट है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1200। ठीक है, इनटू में 100, ये फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 4/3। 1/3 इज 33, 1/3, 4/3 इज 133, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए थैंक यू सो मच, अच्छे से एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।